हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आपका अपना चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कृषि से संबंधित विशिष्ट शब्दों के बारे में। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, वाटर कल्चर किससे संबंधित है? वाटर कल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन, इसके चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है बालू में पौधों की खेती, ऑप्शन बी है पौधों में जल की खेती, पौधों की जल में खेती, अंगूर से शराब बनाना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें से एक आंसर सेलेक्ट करना है सही जवाब। तो सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, पौधों की जल में खेती। पौधों की जल में खेती या पौधों की जल में कृषि। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा पर चलते हैं। पॉट कल्चर संबंधित है, यानी पॉट कल्चर किससे संबंधित है? कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग या रेशम कीट उत्पादन, ऑप्शन सी है गमलों में पौधों की खेती, ऑप्शन डी है लाख कीट पालन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गमलों में पौधों की खेती। क्वेश्चन नंबर तीन पर चलते हैं। सेरी कल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन, इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है केचुआ पालन, ऑप्शन बी है रेशम पालन, ऑप्शन सी है लाख कीट पालन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम कीट पालन। क्वेश्चन नंबर चार, एपी कल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मधुमक्खी पालन, ऑप्शन बी है फसल विज्ञान, ऑप्शन सी है नींबू वर्गीय फलों की खेती, ऑप्शन डी है सब्जी की खेती। इसका सही जवाब होगा एपिकल्चर, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर पाँच, मोरी कल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन इसके हैं, तो टाइपिंग की वजह से नीचे चला गया है। मोरी कल्चर किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन नंबर ए रेशम कीट पालन, ऑप्शन बी रेशम कीट पालन हेतु शहतूत की खेती, जैतून की खेती तथा फसल विज्ञान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम कीट पालन हेतु शहतूत की खेती। तो क्वेश्चन नंबर छः पर आते हैं, पोमी कल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन इसके हैं फलों की खेती, ऑप्शन बी पुष्पों की खेती, ऑप्शन सी घासों की खेती, ऑप्शन डी है सुलेख कला। पोमी कल्चर का संबंध है फलों की खेती से। क्वेश्चन नंबर सेवन, एनाटॉमी का संबंध किससे है? ऑप्शन इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है जीवों तथा पौधों की बाहरी संरचनाओं से संबंधित है, ऑप्शन बी है जीवों एवं पौधों की आंतरिक संरचनाओं से, ऑप्शन सी है जीवाणुओं का अध्ययन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवों और पौधों की आंतरिक संरचनाओं से। क्वेश्चन नंबर एट, बैलिस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मिसाइल प्रक्षेपण तथा हवाई पथ के अध्ययन से, ऑप्शन बी है जल पथ के अध्ययन से, ऑप्शन सी है जीवधारियों के अध्ययन से, ऑप्शन डी है घासों का अध्ययन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मिसाइल प्रक्षेपण तथा हवाई पथ के अध्ययन से। अब क्वेश्चन नंबर नाइन, बॉटनी किससे संबंधित है? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर ए सुलेख विज्ञान या सुलेख कला, ऑप्शन बी है जीवधारियों के अध्ययन से, ऑप्शन सी है पेड़ पौधों के अध्ययन से, ऑप्शन डी है फलों की खेती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पेड़ पौधों के अध्ययन से। बॉटनी संबंधित है पेड़ पौधों के अध्ययन से। दोस्तों, अगर ऐसी इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिविक्स विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? सिविक्स विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मौसम विज्ञान का, ऑप्शन बी है नागरिक शास्त्र का, ऑप्शन सी है ब्रह्मांड विज्ञान, ऑप्शन डी है त्वचा का अध्ययन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिक शास्त्र का। सिविक्स विज्ञान में नागरिक शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप
थोड़ा इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।